सुपरस्टार सलमान खान की वांटेड, दबंग और एक था टाइगर जैसी कामयाब फिल्मों की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया है। वो 42 साल के थे। मुंबई के एक अस्पताल में सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। जाने माने गायक सोनू निगम ने एक फेसबुक पोस्ट से इसकी पुष्टि की। वाजिद खान के भाई साजिद खान ने बीबीसी की सहयोगी पत्रकार मधुपाल को बताया कि वाजिद खान कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे। वाजिद खान के परिवार ने बीबीसी से उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी आत्मा के लिए दुआ कीजिए। उनके परिवार की ओर से बीबीसी को बताया गया कि वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और उनका 2 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी उनके गले में इन्फेक्शन था और चेंबूर के सोनाना अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वाजिद खान की मौत कोरोना की वजह से हुई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी वाजिद खान को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने पीटीआई को बताया कि वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। किडनी के संक्रमण से इसकी शुरुआत हुई और फिर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साजिद वाजिद की जोड़ी ने साल 1998 में प्यार किया तो डरना क्या से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद सलमान खान की फिल्मों में उनके संगीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। इन फिल्मों में गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे और पार्टनर जैसी फिल्में शामिल हैं। वाजिद खान अपने भाई साजिद खान के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज करते थे। वो न केवल पॉपुलर म्यूजिक के फनकार थे बल्कि गायकी में भी उन्होंने शोहरत बटोरी थी। सलमान पर फिल्माया गया मेरा है जलवा फेविकोल से और राउडी राठौर अक्षय कुमार पर फिल्माया गया चिंता ता चिता चिता जैसे लोकप्रिय गाने वाजिद खान ने ही गाए थे। उन्होंने हाल ही में सलमान खान के लिए प्यार करोना और भाई भाई गाने के लिए संगीत रचा था। सलमान खान ने ये गाने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए। लेकिन अफसोस कि आने वाले वक्त में साजिद वाजिद की जोड़ी में अब वाजिद नहीं होंगे।